अस्सलामुअलैकुम। इमरजेंसी प्रोसीजर्स का ये लेक्चर नंबर है जनाब, लेक्चर नंबर 18। और इसके अंदर हम प्राइमरी केयर के जो कॉन्सेप्ट है उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि अक्यूट केयर के अंदर फिज़िकल थेरेपी की एग्जामिनेशन क्या होती है, ठीक है, और डिस्चार्ज प्लानिंग में ये क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले जनरल एग्जामिनेशन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं जनाब, एवेलुएशन करते हैं आप पेशेंट के, सबसे पहले एवेलुएट करके उसका एक डायग्नोसिस बनाया जाता है। उसके बाद आप उसके कंडीशन का प्रोग्नोसिस देते हैं कि ये कितनी देर में ठीक होगा, इंक्लूडिंग द प्लान ऑफ केयर कि आपने एक हफ्ते का प्लान रखा है या 2 हफ्ते का प्लान रखा है या पूरे महीने का प्लान रखा है। फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि जी कौन सी इंटरवेंशन हमें इसके ऊपर यूज़ करनी है। इंटरवेंशन का मतलब है कि आप कोई मोडालिटी यूज़ कर रहे हैं या उसके साथ आप कौन सी टाइप ऑफ एक्सरसाइज यूज़ कर रहे हैं या कोई स्पेशल मोबिलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और फाइनली इन द एंड हमारे पास आउटकम आती है, रिज़ल्ट क्या आएगा आपके उसका। एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो उसके अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं। आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, सबसे पहले जनरल हिस्ट्री होती है, ओवरऑल उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये जब आप लोगों ने SCP 1 पढ़ी थी, हिस्ट्री टेकिंग के अंदर उसके डिफरेंट पार्ट्स थे। हिस्ट्री के बाद आप सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे आते हैं जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर है, न्यूरोमास्कुलर है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। और उसके बाद आप एक कंडीशन के स्पेसिफिक टेस्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि रोटेटर कफ सिंड्रोम है आपके पेशेंट को, तो आप उसके स्पेसिफिक टेस्ट करवा, उससे रिलेटेड स्पेसिफिक एम्प्टी कैन टेस्ट करेंगे, डिफरेंट टेंडन्स को टेस्ट करने के लिए रेजिस्टिव टेस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा फिर उसके बाद उसके मैयज दूंगे कि आपने क्या उसकी एग्जाम करना है, ट्रीटमेंट क्या करना है। हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जनरल डेमोग्राफिक डाटा होता है जिसके अंदर आप पेशेंट का नाम पूछते हैं, जेंडर है, उसका एड्रेस है, उसकी हाइट, वेट, BMI, सोशल हिस्ट्री है, ठीक है, वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस उसका क्या है। लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर भी उसकी सोशल हिस्ट्री आती है कि वो सोशल हिस्ट्री में बेसिकली ये है कि वो उसका मिलना मिलाना कितना है या आउटगोइंग कितना है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, लेकिन लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आता है। फिर जनरल हेल्थ स्टेटस है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या वो एक्टिव पेशेंट है आपका। फैमिली हिस्ट्री आती है कि उसकी फैमिली के अंदर क्या कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर पहले से है, जेनेटिक कोई भी कॉज को रूल आउट करने के लिए। फिर हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री है और सर्जिकल हिस्ट्री है। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आप देखते हैं कि क्या उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है पहले से, डायबिटीज़ कोई डिजीज़ एग्जिस्टिंग डिजीज़ तो नहीं है उस इंसान को ऑलरेडी। सर्जिकल हिस्ट्री में आती है कि उसकी इस कंडीशन से पहले क्या किसी भी कंडीशन से रिलेटेड कोई सर्जरी हो चुकी है या नहीं हुई। उसके बाद आती है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, जिसको हम चीफ कंप्लेंट भी कहते हैं, करंट कंडीशन भी कहते हैं। आप लोग जब SCP में पढ़ते थे तो उसको प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कहते थे कि पेन का अगर प्रेजेंटिंग कम्प्लीट है तो पेन का लेवल कहाँ है या पेन की इंटेंसिटी कितनी है या उसकी क्या पैटर्न्स हैं। फिर फंक्शनल एक्टिविटी है, एक्टिविटी लेवल है, फंक्शनल स्टेटस है और बाकी क्लिनिकल टेस्ट है। एवेलुएशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस के अंदर उसके बाद स्टेप आता है सिस्टमिक रिव्यू, जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर है और पल्मोनरी सिस्टम है, इनका इकट्ठा एग्जामिनेशन भी किया जाता है और सेपरेट करके भी करते हैं। इंटेगमेंट्री, स्किन का एग्जामिनेशन, मस्कुलोस्केलेटल, सिर्फ मसल्स और ऑर्थोपेडिक का, न्यूरोमास्कुलर जिसके अंदर आप मसल से रिलेटेड जो न्यूरोमास्कुलर सिस्टम है सारा उसमें करते हैं। और उसके बाद हाई ब्रेन फंक्शन टेस्ट आप चेक करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है, लैंग्वेज क्या वो बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा, कोई स्पीच डिसऑर्डर या कोई और डिसऑरिएंटेशन। टेस्ट एंड मेजर्स में कौन कौन से आते हैं, आप एरोबिक कैपेसिटी जिसमें वीओ टू मैक्सिमम वगैरह चेक करते हैं, एंड्योरेंस देखते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसीज वगैरह चेक करते हैं आप, अराउजल, टेंशन, कोऑर्डिनेशन, हाई ब्रेन लेवल के फंक्शंस हैं। असिस्टिव या अडेप्टिव डिवाइसेस कि क्या वो कोई क्रचेज यूज़ कर रहा है या व्हील चेयर यूज़ कर रहा है या फंक्शनल स्टेटस उसका क्या है। सर्कुलेशन चेक करते हैं आप, ठीक है, इसके लिए कैपिलरी रीफिल टेस्ट होते हैं या आप पल्सेस चेक करते हैं लोअर लिम्ब की भी और अपर लिम्ब की भी। नर्वस एग्जामिनेशन है जिसमें सेंट्रल क्रैनियल नर्व्स भी होती हैं और पेरिफेरल नर्व्स भी होती हैं। एनवायरनमेंट, होम एंड वर्क बैरियर चेक किया जाता है। गेट आप उसकी नॉर्मल चेक करते हैं कि वो है या नहीं है, क्या वो मूव करता है या बैलेंस है या नहीं। बैलेंस के टेस्ट के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट रोमबर्ग टेस्ट होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। स्किन की इंटेग्रिटी जिसमें बेड सोर्स वगैरह आप चेक करते हैं, कोई एक्टिव इन्फेक्शन या स्किन कैंसर या कोई और चीज़ उसके साथ हो। मोटर फंक्शन, उसके मसल कंट्रोल कितना है, मसल की परफॉर्मेंस, उसका मसल स्ट्रेंथ कितनी है। ऑर्थोटिक्स, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव डिवाइसेस वगैरह कि उसने क्या कोई और उसका प्रोस्थेटिक लिम्ब तो नहीं है,
या कोई और ऐसी चीज़ जो कि हेल्थ के लिए यूज़ की जा रही है, और फिर फाइनली पेन के टेस्ट होते हैं। ये हैं असिस्टिव डिवाइसेस के पेशेंट, यूजुअली पार्किंसंस के पेशेंट या जो हाई ब्रेन लेवल के कुछ डिजीज़ होती हैं उनके अंदर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये असिस्टिव होती हैं पेशेंट्स को हेल्प करने में डेली लाइफ में। डिस्चार्ज प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है कि आप सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करते हैं सारे सिस्टम्स का, और उसके बाद उसके फंक्शनल मोबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि उसकी एम्बुलेशन कैसी है, क्या वो व्हील चेयर पे है या वो कोई असिस्टिव डिवाइस यूज़ कर रहा है, क्या वो स्टेयर्स यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, और डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनल मोबिलिटी पेशेंट को डिस्चार्ज या नहीं डिस्चार्ज किया जाता। जितना ज़्यादा वो फंक्शनल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उतना जल्दी उसका डिस्चार्ज भी होता है। स्टेप्स क्या हैं कि आप देखते हैं कि क्या पेशेंट प्री हॉस्पिटल लेवल ऑफ फंक्शन जो है, मतलब क्या हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर वो उस लेवल तक आ चुका है या उस मूवमेंट तक आ चुका है, अगर आ चुका है तो फिर आप उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, और अगर वो नहीं आया तो फिर उसके फर्दर एग्जामिनेशन की जाती है या उसको अभी एडमिट रखा जाता है। एडमिट रखने के अंदर इन पेशेंट के बाद आप उसको देखते हैं कि क्या वो 3 घंटे तक जो है वो थेरेपी को टॉलरेट कर सकता है। अगर तो कर सकता है तो उसको रिहाब के अंदर डाल देते हैं, डायग्नोसिस करके प्रॉपर होम डिस्चार्ज भी कर देते हैं और उसमें अंदर वो सेट रहता है। लेकिन अगर वो नहीं टॉलरेट कर सकता है, इसका मतलब पेशेंट थोड़ा ज़्यादा सिवेयर है या सेंसिटिव है ज़्यादा, तो फिर उसके बाद उसका लेवल चेक किया जाता है कि क्या ये पेशेंट कभी भी घर में इवेंचुअली रिटर्न कर सकेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर उसको नर्सिंग होम्स में भेज दिया जाता है, और अगर वो कर सकता है तो फिर उसको रिहाब में एडमिशन उसका करवा के और उसको ट्रीटमेंट करके फाइनली उसके बाद दोबारा डिसीजन लिया जाता है कि क्या हमने उसको अब डिस्चार्ज करना है या नहीं करना। फिर आते हैं हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शियस कंडीशंस या इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स, जिसमें इन्फेक्शंस में हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल निमोनिया हो सकता है, या जैसे कोविड था रेस्पिरेटरी ट्रैक, कार्डियक इन्फेक्शन, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, इस तरह की चीज़ें, न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन ब्रेन के, या फिर सेप्सिस अगर ब्लड के अंदर इन्फेक्शन चला जाए, तो फिज़िकल थेरेपी भी। हम इन्फेक्शन को इसलिए डिटेल में नहीं पढ़े, हमारा ताल्लुक नहीं है उसके साथ, हम फिज़िकल थेरेपी इंटरवेंशन देखेंगे इसमें कि फिज़िकल थेरेपी इंटरवेंशन के गोल क्या होते हैं जनाब, किसी किसी भी इन्फेक्शन के अंदर क्या आप पेशेंट की जो फंक्शनल मोबिलिटी है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब कि उसको मैक्सिमाइज किया जाता है कि पेशेंट इंडिपेंडेंट हो सके और डेली एक्टिविटीज़ को टॉलरेट कर सके और अपनी डेली एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर सके। उसके साथ साथ पेशेंट इस काबिल हो कि वो मैक्सिमम वेंटिलेट कर सके और उसको कोई एडिशनल किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली अपने डेली कोर्स को परफॉर्म कर सके। किसी भी फिजिकल उसके अंदर जो गाइडलाइंस होती हैं इन्फेक्शियस स्टेट्स में या किसी इन्फेक्शियस जगह पे जहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट काम कर रहा है, तो उसके इन्वेंशंस गाइडलाइंस क्या होती हैं कि जी बेस्ट, क्योंकि आपने प्रिवेंशन जो उसका ट्रांसमिशन है उसको भी प्रिवेंट करना है इन्फेक्शियस डिजीजेस को, तो वो कैसे प्रिवेंट करना है, सीडीसी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं इससे रिलेटेड उनको पूरा रेफर किया जाता है, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स वगैरह। जैसे ये तो बड़ा पुराना आपका टॉपिक है, लेकिन अब आजकल जैसे कोविड के सिचुएशंस हैं उसमें थेरेपिस्ट अगर किसी इंटेंसिव केयर में काम कर रहा है, ICUs में जैसे होते हैं, और पेशेंट को डेफिनेटली कोविड के अंदर रेस्पिरेटरी थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, या ना भी उसको कोविड हो तो कोविड की प्रिवेंशन को रोका जाता है, तो उसके अंदर उनकी बड़ी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं कि आप मतलब कि हैंड वॉशिंग टेक्निक्स हैं, आपने गाउन चेंज करने हैं, आपने कोई ऐसा स्टफ लेके अंदर नहीं जाना जिसकी वजह से आप पेशेंट को खुदा ना खास्ता एक्सपोज करें उसके साथ। पेशेंट्स जिनके अंदर इन्फेक्शन होता है उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, फीवर होता है उनको ऑटोमेटिकली, और उसकी वजह से उनका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो भी नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो इस ऐसी स्टेट में जब भी आपने उसकी थेरेपी करवानी है, रेस्पिरेटरी थेरेपी करवा रहे हैं आप, उसकी मोबिलाइजेशन करवा रहे हैं, जॉइंट करवा रहे हैं, आपने पेशेंट को वैसे मोबिलाइज कराया, वॉक करवाई है, तो आपने जो अपनी इंटेंसिटी रखनी है एक्सरसाइज की, दैट हैज़ टू बी लोअर एज कम्पेयर फॉर द पेशेंट हु इज़ नॉन इन्फेक्शियस। वजह क्या है, उसकी जो इन्फेक्शियस है उसका हार्ट रेट ऑलरेडी ज़्यादा है, उसको आप ज़्यादा इंटेंसिटी की एक्सरसाइज नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि उसका जो एग्जिस्टिंग हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगा। ज़्यादा इंटेंसिटी की भी नहीं करवानी और बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन की भी नहीं करवानी, आपको फ्रीक्वेंट रेस्ट ब्रेक्स जो होती हैं वो दरमियान में लाजमी देनी पड़ती हैं। क्यों? ताकि पेशेंट कूल डाउन हो और उसको ईजिली टॉलरेट कर सके। हाँ, उसकी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ करते जाते हैं। लेट्स से एक दिन आपने सिर्फ उसको खड़ा किया है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा था, और आपने उसको
ठीक है, 10 मिनट बिठा के कुर्सी पे, फिर वापस लिटाती है। अगले दिन या कुछ दिनों के बाद आप उसको फर्दर प्रोग्रेस करेंगे, आप उसको वॉक करवाएंगे। वॉक जब टॉलरेट कर लेगा वो कुछ दिनों तक, फिर आप उसके बाद उसको ज़्यादा देर के लिए वॉक अलॉन्ग विद सिटिंग करवाएंगे। ऐसा ऐसा करके आप उसका एक्टिविटी लेवल, डिपेंडिंग ऑन दी पेशेंट स्टेट, जनरल गाइडलाइंस होती हैं थेरेपी की हर जगह पे, लेकिन ये सारा कुछ कंडीशन टू पेशेंट होता है। पेशेंट की जो अपनी इंडिविजुअल कंडीशन है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो थेरेपी है उसको ऑल्टर करते हैं। मॉनिटरिंग द टेम्परेचर कर्व एंड WBC काउंट्स, ठीक है, जो उनके अंदर इन्फेक्शन होता है उनके अंदर ये काउंट रखना लाजमी होता है ताकि आप उसको मॉनिटर कर सकें और फिजिकल थेरेपी के इंटरवेंशन को भी साथ साथ चेक कर सकें कि अगर पेशेंट का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी वेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर नहीं कर सकते, अनलेस एंटल एडवाइज हो कि आप उसको करवाएं। ठीक है, लेक्चर बहुत छोटा सा था, सिंपल इन्फेक्शन में फिजिकल थेरेपी के इंटरवेंशन से वो हमने डिस्कस किए।